हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडल स्कूल राजगढ़। दोस्तों, मॉडल स्कूल राजगढ़ में इन दिनों बच्चे 8 नवंबर 2019 को जो लर्निंग आउटकम का एग्ज़ाम है उसी के प्रैक्टिस सेशन में इन्वॉल्व है। ये जो बच्चे आपको दिख रहे हैं, ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये लर्निंग आउटकम के प्रैक्टिस सेशन में OMR सीट को भरने में लगे हुए हैं। और अभी चूँकि प्रैक्टिस सेशन चल रहा है तो ये बच्चे अभी पेंसिल, इरेजर और शार्पनर का प्रयोग करके अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर रहे हैं। सारे बच्चे अपने को तैयार कर रहे हैं क्योंकि इन्हें लर्निंग आउटकम के एग्ज़ाम में कैसे अपने नाम लिखने हैं, कैपिटल लेटर्स कहाँ यूज़ करने हैं, कैसे जो गोले हैं, जो सर्कल हैं, उन्हें कैसे डार्कन करने हैं, वो पूरी की पूरी चीज़ें आज बच्चों को यहाँ समझाई जा रही हैं। आप देख सकते हैं इधर बॉयज़ हैं, ये बाकायदा OMR शीट बेस्ड पे अपना दोस्तों ये वर्क कर रहे हैं। और केवल यही नहीं, हर एक बच्चे के हाथ में शीट है, पेंसिल है और इरेजर है। यहाँ पे ग्रीन बोर्ड पे भी बच्चों को लिखा है, आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस सेशन लर्निंग आउटकम एग्ज़ाम टू बी हेल्ड ऑन 8 नवंबर 2019। आप देख सकते हैं दोस्तों कि ऐसे क्वेश्चन का प्रारूप आएगा। प्रश्न आपका है स्वतंत्र शब्द का विलोम, ऑप्शन आपके हैं गणतंत्र ए, प्रजातंत्र बी, सी यानी स्वाधीन और डी यानी परतंत्र। तो आप जैसा कि जानते हैं दोस्तों कि स्वतंत्र का विलोम यानी उसका विपरीत शब्द पूछ रहा है, तो बच्चों स्वतंत्र का विपरीत शब्द क्या होगा? परतंत्र होगा। आप देख रहे हैं कि ए ऑप्शन में गणतंत्र के आगे एक सर्कल है, बी ऑप्शन में प्रजातंत्र के सामने भी एक सर्कल है, और सी ऑप्शन में स्वाधीन के सामने सर्कल है, और डी ऑप्शन में परतंत्र के सामने सर्कल है। तो आप देख रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं, परतंत्र के सामने जो सर्कल है उसे डार्कन किया गया है। ऐसे ही जब एग्जाम में आपके OMR शीट आएगी, कुछ ऐसी ही सीट बच्चों आएगी, तो आपको बच्चों पहले ऑप्शन के सामने जो ABCD दिया गया है, आप देख लो, पहले ऑप्शन के सामने जो ABCD दिया गया है उसमें आप डी ऑप्शन को डार्कन कर दो। आप बच्चों डी ऑप्शन को डार्कन कर दो। ये विशाल धुरिया है और ये डी ऑप्शन को देखिए डार्कन कर रहे हैं। डार्कन का मतलब है जो भी सर्कल है उसमें पूरे पेंसिल से अच्छे से आप उसको काला कर दें। देखिए, बच्चा है मॉडल स्कूल राजगढ़ का और ये पूरी संजीदगी के साथ इन्होंने काला किया है। आप देख सकते हैं इन्होंने डी ऑप्शन को काला किया, वेरी गुड। तो दूसरा प्रश्न बच्चों आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, पहला ऑप्शन यानी ए ऑप्शन श्री योगी आदित्यनाथ, फिर दूसरा ऑप्शन बच्चों है श्री अखिलेश यादव जी, तीसरा ऑप्शन आपके सामने है श्री अमित शाह जी, और चौथा ऑप्शन है श्री राजनाथ सिंह जी। तो क्या आंसर है बच्चों? वेरी गुड, श्री योगी आदित्यनाथ पहला ऑप्शन सही है, यानी ए सही हो रहा है। तो यानी दूसरे प्रश्न में ए ऑप्शन जो आपका है उसको आप काला कर दें, दूसरे प्रश्न में आप ए ऑप्शन को काला कर दें, दूसरे प्रश्न में आपको ए ऑप्शन को काला करना है। कौन सा ऑप्शन आप काला कर रहे हैं राजशेखर सिंह? दिखाइए जरा कैसे कर रहे हैं। ये राजशेखर सिंह है और आप देख रहे हैं कि दूसरे में इन्होंने ए को डार्कन कर रखा है। ऐसे ही कुछ पीछे हम बच्चों के पास आते हैं और ये देखते हैं, बेटा आपने कौन सा ऑप्शन काला किया है? सही। दूसरे प्रश्न में आप देख सकते हैं ये चांदनी है और इन्होंने दूसरे में ए ऑप्शन को काला कर रखा है। तो ऐसे ही बच्चों को जीरोक्स कॉपी OMR सीट की यहाँ पे दी गई है, सारे बच्चों को दी गई है। और आज ये मॉडल स्कूल राजगढ़ में ये प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। तो बच्चों आपको समझ में आ गई बात? Yes, sir!
कहीं कोई गलती हो या कहीं आप लेस कॉन्फिडेंस महसूस करते हो तो बताएं। वेरी गुड।